नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोकरिया एक बार फिर लेकर के श्रृंखला व्यंजन संधि की आपके लिए तैयार हूँ। कैसे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, मजा आ रहा है ना इन चीजों को लेकर के कि कैसे एक द्रुत गति से, एक तेज गति से रिविजन हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश करता हूँ इन अगले 15 से 20 मिनट में व्यंजन संधि को समेटने की। तो कुछ अति महत्वपूर्ण उदाहरण मैं लेके आया हूं, क्योंकि इसके सारे नियम तो संभव ही नहीं होता है कि वाया नियम पढ़ाया जाए। स्वर संधि संक्षिप्त थी, मैंने नियमों से भी पढ़ाया, लेकिन अब बात करूंगा किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। व्यंजन संधि के कुछ अति महत्वपूर्ण उदाहरण आपको लेके जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो, हो जाओ तैयार, उठाओ तलवार। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? सद्धर्म। किसी भी वर्ग का क्या है? तीसरा है। किसी वर्ग का क्या है? तीसरा है। तो सत धन क्या जाएगा? धर्म जाएगा। सत धन क्या जाएगा? धर्म। मैं नियम सिखाऊंगा, इसका ध्यान रखना। सडानन, ड बदल गया ट में, सट धन आनन। छह मुख है जिसके, कार्तिकेय का पर्यायवाची है। वृहदाकार, वृहत धन क्या आएगा? आकार। बोलो वृहत धन क्या आएगा? आकार आएगा। वागीश का क्या होगा? वाक प्लस ईस। वाक धन क्या होगा? ईस। ग है किसी भी वर्ग का तीसरा, तीसरा जाएगा पहले में, ये ध्यान रखिएगा। प्राग धन क्या होगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। प्राक धन क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ज्ञात इतिहास से पहले का समय। ऐतिहासिक शब्द किससे बना है? इतिहास में एक प्रत्यय से। किसमें? सचिदानंद। सत धन चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। इस शब्द में व्यंजन संधि दो बार है। व्यंजन संधि कितनी बार है? दो बार है, ये ध्यान रखिएगा। अभी समझाऊंगा पूरा का पूरा नियम, ये ध्यान रखना। अब ये जो आपने ऊपर जो छह उदाहरण पढ़े हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, संधि शब्द की पहचान में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, तो तीसरा वर्ण अपने वर्ग के किस में जाता है? पहले में। किस में जाता है? पहले में। और पहला वापस संधि करते समय अपने वर्ग के किस में जाता है? तीसरे में। अब यहां पर बात करें सचरित्र की, तो सत धन क्या होगा? चरित्र। यदि त या द के साथ में च या छ आता है तो बदलता है च में। चिन्मय की बात करता हूं तो चित धन मय। किसी भी वर्ग का पहला हो और उसके साथ में न या म हो तो पहला अपने वर्ग के बोलो किस में बदलता है? पांच। सन्मार्ग की बात करता हूं तो क्या आएगा? सत धन मार्ग आएगा। क्या आएगा? सत धन मार्ग। छह शास्त्र त या द के साथ में तालव्य श्र आता है तो परिवर्तन होता है सत धन, किस में जाएगा? शास्त्र में। ये त जो है ये तो बदलता है च में, और ये श है जो बदलता है किस में? छ में। अगला सवाल आता है मित्रों, उच्छिष्ट। क्या आता है? उच्छिष्ट। उत धन शिष्ट, ये शास्त्र वाला सेम नियम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। श्री मच्छर चंद्र, च बदलेगा त में और श बदलेगा, सॉरी छ बदलेगा श में, ये हो गया श्रीमत, और इस छ का परिवर्तन होता है श में, तो क्या हो गया? शरद चंद्र। और खुद शरद चंद्र में व्यंजन संधि है, ये ध्यान रखिएगा। उच्छ्वास सेम ही नियम पे चल रहा है, क्या होगा? उत धन श्वास। यहाँ स आधा आएगा क्योंकि यहां पर भी छ कैसा है? आधा है। उत्श्रृंखल का अर्थ होता तानाशाह, तो उत धन क्या हो जाएगा? श्रृंखल हो जाएगा। उत्थित बहुत शानदार है, स्टार लगा देना, सेवन। उत्थित का होगा उद, धन क्या होगा? स्थित होगा। ये जो ता है ये तो बदल जाता है, वो तो बदल जाता ता में, स का लोप और ये हो जाता है उद धन स्थित उत्थित। मृण में क्या होगा? मृद धन मय होगा, ये ध्यान रखिएगा। मृद धन क्या होगा? मय होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखो ई और ऊ की मात्रा के बाद में सा था, प्रति धन स्थित, प्रति धन स्थित। इस स का परिवर्तन मूर्धन्य हो में स में होता है और इसका परिवर्तन ठ में होता है, तो क्या बन गया? प्रतिष्ठित बन गया। उसी प्रकार देखो अनुष्ठान का परिवर्तन होता है, अनुधन क्या होगा मित्रों? स्थान होगा। अनुधन क्या होगा? अनुष्ठान। अनुष्ठान मन क्या होता है? यज्ञ होता है। प्रतिष्ठा यही सेम नियम चलता है, ध्यान रखिएगा। और प्रतिधन क्या हो जाएगा? स्था हो जाएगा।
प्रतिधन क्या हो जाएगा? इस्ता। जगदीश नियम नंबर पहला जो सिखाया था, जगत प्लस इस, ठीक है, चिदाभास वही पहला नियम है। क्या कहता है? चित, पीछे क्या बचा? आभास। क्या बचा? आभास। क्या लिखा हुआ? जगत जननी। इसका मतलब त के साथ में या द के साथ में, बोलो क्या आ रहा है? ज, तो बदलता है किसमें? ज में। याद दिलाऊं कि भूल गए, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, संदेह तो नहीं हो रहा है? उज्जवल वाला नियम चल रहा है द्वित्व का, तो हो जाएगा जगत प्लस जननी। बोलो क्या हो जाएगा? जगत प्लस जननी। जैसे उज्जवल आ गया, जैसे यावत धन जीवन, यावत जीवन, विपद धन जाल, विपद जाल, ये ध्यान रखिएगा, ये सेम नियम चल रहा है। उसके बाद में कंचित, तो किम दंचित होगा, किम दन क्या होगा? चित। माँ के साथ में यदि वर्गीय व्यंजन आता है, मां बदलता वर्गीय व्यंजन के किस में? पांचवें। मैं बदलता किसके? वर्गीय व्यंजन के पांचवें में। दिग्मंडल की बात करता हूं तो किसी भी वर्ग का पांचवा अपने वर्ग के पहले में जा रहा है, दिक धन मंडल। और मैंने पीछे तुम्हें नियम में क्या लिखाया था? पीछे क्या लिखाया था नियम में? कि बेटा ध्यान रखना, किसी भी वर्ग का पहला अवतार पहले के साथ न या मा आता तो पहला बदलता अपने वर्ग के पांचवे में। हाँ, ये फिर वही बात आ गई, व्रत धन टिटिब। ये ध्यान रखिएगा, त के साथ ट आएगा तो त का परिवर्तन ट में, री रशी के साथ, री रशा के साथ में यदि न आता है तो न बदलता ण में, तो त्रिश धन ना हो जाएगा। सन्नारी का सत धन नारी क्या होगा? सत धन नारी होगा। वृष्टि का वृष दंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वृष दंती। इसमें कौन सा नियम लगता है? कि सर मूर्धन्य ष के साथ में यदि त या थ आता है तो त बदलता है ट में और थ बदलता है ठ में। जैसे बात करूं पृष्ठ धन थ, तो क्या बनता है? पृष्ठ बनता है। उसी तरह सृष धन ती, तो क्या बनता है? सृष्टि बनता है। बोलो क्या बनता है? सृष्टि बनता है। ये ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ होगा, ठीक है। उत्कृष्ट क्या होगा? उत्कृष्ट धनता होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट धनता। उसके बाद में देखो उल्लास, तो क्या होगा? उत धनलास होगा। वही त के साथ ल, तो त बदला किसमें? ल में, तो तल्लीन का क्या होगा? तत धनलीन हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण भी बनेगा। हाँ, उसके बाद में जयद्रथ, तो क्या होगा? जयत धन रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयत धन रथ हो जाएगा। शरद पूर्णिमा क्या होगा? शरद धन पूर्णिमा हो जाएगा। पूर्णिमा तत्समय जिसका तद्भव पूनम होता है। उमय क्या होगा? उमय उपधनमय। हाँ, सतधन वंश सदवंश। मर्च कटिकम मृद धन शक्तिकम, मिट्टी की गाड़ी क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। उदार उत धन हार कैसे बना? किसी भी वर्ग का पहला होता है, क्या होता है? पहला, और उसके साथ में यदि हा आता है, पहला बदलता तीसरे में और हा बदलता इसके चौथे में, तो इसका तीसरा कौन है? द, और इसका चौथा कौन है? ध। जैसे और याद दिलाऊं, जैसे आपने लिखा वाक धन हरी क्या लिखा? वाक धन हरी। इसका तीसरा कौन है? ग। इसका चौथा कौन है? घ। तो शब्द क्या बन गया? वाकरी बन गया। अब्ज अप धन ज, पानी में जन्म लेने वाला उसे कहते हैं कमल। लेकिन अब्ज एक अनेकार्थक शब्द है। बोलो क्या है? एक अनेकार्थक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। और अब्ज के कई सारे अर्थ निकलते हैं। अब्ज कपूर को भी कहते हैं, ठीक है,
अब्ज कपूर को भी कहते हैं, किसको कहते हैं, कपूर को अब्ज, और किसको कहते हैं, चांद को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब्ज और किसको कहते हैं, शंख को भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पद्धति इसी नियम पर काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। पत धन अति टूटता है, क्या टूटता है, पत धन अति। उसके बाद में उद्धरण उसी तरह जा रहा है, उत धन हरण, उत धन हरण। वृक्ष छाया चागम की संधि है, च का आगम हो रहा है, वृक्ष धन छाया, ठीक है। परिच्छेद परी धन छेद, अजंत का होगा अच धन अंत, और षण मास सट धन क्या हो जाएगा, मास। पांचवा बदल गया किसमें, पहले में। निष्ठुर नी धन स्थुर, इसको कुछ विसर्ग संधि में भी लेके माना जाता है, लेकिन यहाँ पर निष्ठुर व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। स्व धन छंद, यहाँ पर देखो च का आगम हो रहा है, उन्मुख उत धन मुख, पहले के साथ में नम है तो पहला बदलता अपने वर्ग के पांचवे में। चिरंजीवी चिरम धन जीव, चिरंजीव। संस्कार सम धनकार, याद है संस्कार कैसे बनता है, सम और परी के साथ में कार, करण, कृत, कृति, क्रिया, कर्ता, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा सम वाली स्थिति में मां बदलता अनुस्वार में, और स दंत्य का आगम होता है, और परिष्कार में परी में केवल मूर्धन्य ष का आगम होता है। उसके बाद में लिखता हूं तो आता है शरद धनकालीन, संयम सम धन यम, अभिषेक अभिधन शेक, ष का ष में परिवर्तन, संरक्षक सम धन रक्षक, और निषिद्ध का नी धन सिद्ध, दंत्य स का परिवर्तन किसमें, मूर्धन्य ष में। तो साथियों ये थी आज की श्रृंखला, जो व्यंजन संधि के मैंने उदाहरण आपके साथ डिस्कस किए, आशा करता हूँ आपके लिए आगामी भर्ती परीक्षा के लिए एक जो है रामबाण साबित होंगे। खूब सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ, वादा रहा कल मिलूंगा विसर्ग संधि के साथ, धन्यवाद।